बुक समरी इन हिंदी बाय इंडियन मोटिवेशन। आज की बुक समरी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब पर है, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। डेल कार्नेगी एक बेहद प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबों के लेखक हैं और आज तक उन्होंने लगभग 60 सर्वाधिक बेची जाने वाली पुस्तकें लिखी हैं। इनमें से डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक बेहद प्रचलित सेल्फ हेल्प किताब है। डेल कार्नेगी यह कहते हैं कि उन्होंने इस किताब को इसलिए लिखा क्योंकि एक समय था जब वे खुद अपने जीवन और अपनी स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे। वे अपनी चिंताओं के बारे में सोच सोच कर बीमार महसूस कर रहे थे। इस किताब में लेखक ने अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों और समस्याओं को साझा किया है और यह बताया है कि कैसे उन्होंने उन समस्याओं का समाधान ढूंढा। इस किताब का उद्देश्य पाठकों को खुश और पूर्ण जीवन जीने में मदद करना है और लोगों को न केवल खुद के बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी सजग बनाने में मदद करना है। लेखक ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग को 18 भाषाओं में अनुवाद करवाया है। इस किताब में लेखक ने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के बारे में सुझाव दिए हैं और उन्होंने इस किताब को 6 अध्याय में विभाजित किया है। अध्याय 1, चिंता को बंद करने और जीवन की शुरुआत कैसे करें। परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का मूल कारण क्या है। हम सभी कुछ न कुछ कारण से परेशान होते हैं, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि इन परेशानियों के पीछे क्या है। लेखक हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं, जबकि हमें अपने वर्तमान को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उनका कहना है कि हमें जो भी चाहिए उन लक्ष्यों को एक कागज पर लिखकर अपने पास रख लेना चाहिए और हर दिन सुबह उसे पढ़कर उसके प्रति प्राथमिकता से काम करना चाहिए। उदाहरण के रूप में, अगर आपको घर खरीदना है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि पैसे नहीं हैं और अब क्या होगा, बल्कि आपको यह सोचना होगा कि घर खरीदने के लिए आपको कैसे काम करना है। सबसे पहले आपको अपना बजट तय करना होगा, फिर आपको सोचना होगा कि आपको घर कहां खरीदना है, और फिर आपको यह सोचना होगा कि कब खरीदना है। इस तरीके से यदि आप प्लान करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन के सिद्धांतों को कैसे सुधार सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें हमेशा अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने अतीत और भविष्य को उनकी जगह देना चाहिए। जब हम परेशान होते हैं तो हम अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और हम खुद को दोषी मानते हैं जब कुछ खराब होता है, लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अपनी तनाव को कम कर सकते हैं। हमें अपने भविष्य से डरने की बजाय उसे समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सकारात्मक सोच और प्लानिंग समस्याओं का समाधान देती है। लेखक कहते हैं कि जब आप कुछ प्लान करते हैं तो आपको उस स्थिति का भी प्लान बनाना चाहिए जब सबसे खराब हो सकता है और खुद को उसके लिए तैयार करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका मन सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करता है, जो आपको सबसे बुरी स्थिति से लड़ने की शक्ति देता है। लेखक आगे बताते हैं कि परेशानी से हमें क्या होता है। वे बताते हैं कि डर का मुख्य कारण है परेशानी। जब आप यह जान जाते हैं कि परेशानी से क्या होता है तो आप अपने आप परेशान होना बंद कर देते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, जब आप निरंतर तनाव और परेशानी में रहते हैं तो आप अपनी शारीरिक कार्यक्षमता को हानि पहुंचाते हैं और इससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अल्सर जैसी 3 बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप कम परेशान होते हैं तो अधिक समय तक जीते हैं। जब आप किसी चीज से परेशान होते हैं तो आपको अपनी परेशानी की विश्लेषण करनी चाहिए और उसका सच क्या है यह खोजना चाहिए। सभी तथ्यों को विश्लेषण करें और समाधान तक पहुंचें। अगर आपके तथ्य सही नहीं हैं तो आपको बहुत समस्या हो सकती है और यह आपकी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। इस स्थिति में आप खुद से इन सवाल को पूछ सकते हैं। 1. अपने आप से पूछें कि अगर आप अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं या आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं
तो सबसे खराब संभावित परिणाम क्या हो सकता है? 2. सबसे खराब स्थिति को स्वीकार करें और अगर संभव हो तो प्लान बी तैयार करें। 3. फिर शांति से सबसे खराब संभावित परिणाम को सुधारें और इससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 4. समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। 5. समस्याओं का संभावित समाधान कौन सा है और उसमें सबसे अच्छा समाधान क्या है। अध्याय 2. इससे पहले कि चिंता आपको तोड़ दे, आप चिंता की आदत को कैसे छोड़ दे। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि अपने आप को एक नहीं तो दूसरी चीज में व्यस्त रखना चाहिए। शोधकर्ता कहते हैं कि मानव मन एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं सोच सकता है। इसका मतलब है कि हम खुश या परेशान एक साथ नहीं हो सकते। जब हम अपने आप को हमारी पसंद की एक्टिविटी में व्यस्त रखते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों को बनाता है। छोटी छोटी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस न दे, लेखक कहते हैं कि हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर परेशान होना बंद करना चाहिए। मन की शांति के लिए हमें नकारात्मक चीजों को अनदेखा करना चाहिए। जब ऐसे छोटे मुद्दे उठते हैं तो हमें अपना ध्यान उन पर नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखें कि जीवन बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमें छोटी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जो होना है वो होकर रहेगा। आने वाले समय के साथ मिलकर जो लेखक कहते हैं कि आने वाले घटनाओं को पूर्वानुमान करने का कोई वैदिक तरीका नहीं होता, इसलिए बेहतर होता है कि हम सोचें कि अगर कुछ बुरा होता है तो हम कैसे इसका सामना करेंगे और फिर उसी के अनुसार कार्रवाई करें। चिंता करने से केवल तब ही फायदा हो सकता है जब हम उस स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। अगर हम इसे नहीं कर सकते तो हमें आगे बढ़ने का तरीका ढूंढना चाहिए। अध्याय 3. ऐसे 6 तरीके जो आपके मानसिक मनोवृत्ति को शांति और प्रसन्नता की ओर बढ़ा सकते हैं। 1. अपने मन को शांति, साहस, स्वास्थ्य और आशा के विचारों से भरें। यदि हम निरंतर यह सोचते रहते हैं कि सब कुछ खराब होगा तो यह सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और वास्तविकता में इसे परिवर्तित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो यह सोच मेरे मन को वश में कर लेती है और इसके परिणाम स्वरूप यह सत्य बन जाता है कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। 2. किसी भी समय अपने शत्रुओं से प्रतिशोध न लें। लेखक यहां साफ रूप से कहते हैं कि हमें किसी के खिलाफ प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ही नुकसान होता है। हमें हमेशा माफी करने की आदत डालनी चाहिए। 3. कृतज्ञता की आशा करें। लेखक यह सिखाते हैं कि हमारे खुशी का सबसे बड़ा रास्ता यह नहीं होता कि हम उम्मीद करें कि हमारे योगदान पर हमें लोगों की वाहवाही मिलेगी, बल्कि हमें अपनी खुशी के लिए यह करना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं और व्यक्ति हमें धन्यवाद नहीं कहता तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 4. आशीर्वादों की गिनती करें, मुश्किलों की नहीं। लेखक यहां यह बताते हैं कि हमें अपनी आशीर्वादों को गिनना चाहिए, अपनी मुश्किलों को नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने पास क्या है इस बात पे फोकस करना चाहिए, न कि क्या नहीं है यह सोचकर परेशान होना चाहिए। इससे हमें यह विचार करने में मदद मिलती है कि हम कैसे उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। 5. अपने आप को खोजें और स्वयं को पहचानें। लेखक कहते हैं कि अपने आप को जानना एक साहसिक क्रिया है। खुद को ढूंढना और जानना कि हम में कौन सी क्षमताएं हैं। खुद को ढूंढने की यह प्रक्रिया हमारे कर्मों को एक निःस्वार्थिक प्रक्रिया में बदल देती है, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अद्वितीय परिणाम देती है। हमें यह खोजना चाहिए कि किन चीजों में हम बेहतर हैं और किन चीजों में हमें और कुछ सीखना है। अपने पैशन को पहचानें और उस पर काम करें जो हमें सबसे अधिक सफलता दिला सकता है। 6. अपने घातक परिस्थितियों से लाभ उठाने का प्रयास करें। लेखक इस बात को सिखाते हैं कि अगर हम यह समझ जाएं कि कैसे हम नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक में कैसे बदल सकते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा अपने फायदे की ओर सोचें। लेखक कहते हैं कि अगर आपके पास जीवन में कठिनाइयां हैं तो आप उनके से कुछ सीखें। अध्याय 4. चिंता से मुक्ति पाने का सही तरीका प्रार्थना करना। लेखक के अनुसार
प्रार्थना में अद्भुत शक्ति निहित होती है। यह हमें हमेशा प्रेरित रखती है और हमारी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवृत्त करती है। प्रार्थनाएं हमें उन सब चीजों के बारे में बोलने का अवसर प्रदान करती है जिनसे हम परेशान हो रहे हैं। यह हम में सकारात्मक भावना पैदा करती है और हमें यह भावना दिलाती है कि हम किसी से अपनी समस्या साझा कर रहे हैं। हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। इससे हमें समस्या को हल करने के लिए ऊर्जा मिलती है। वर्तमान को जिए, चिंता करना बंद करें और जीना शुरू करें। वर्तमान का आनंद लें। हमें हमेशा यह सुनने को मिलता है कि हमें वर्तमान को जीना चाहिए। हमें अपने अतीत और भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम सभी के पास एक स्तर की चिंता, तनाव और दुख है। यह अनुभव हमें अपने अतीत और भविष्य की सोच के दौरान अपने आप से दूर कर देता है। वर्तमान को जीने का अर्थ है कि हमें हमारे मन और चेतना के इस पल में क्या हो रहा है, इसी के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने अतीत और भविष्य की चिंता करके विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें केंद्रित रहना चाहिए। अध्याय 5, आलोचना से बचने के उपाय। ध्यान दें कि आलोचना अक्सर प्रशंसा के रूप में आ सकती है। इस अनुभव में लेखक ईर्ष्या की बात करते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो वह अकेले इस भ्रम में रहता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि हमें उसकी पर्याप्त ध्यान की आवश्यकता होती है। यह आलोचक को केवल अपनी आत्मसंतुष्टि दिलाने में मदद करता है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और खुद को क्रिटिसाइज करें। जब हम किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में असफल होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, काम या एजुकेशन, तो यह बेहद दुखद अनुभव होता है। इससे हमारे मन में बिल्कुल अलग तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। इस समय हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। शोधकर्ता बताते हैं कि जब हम किसी नकारात्मक घटना को खुद पर डालते हैं तो हम सबसे अधिक डिप्रेशन में चले जाते हैं और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपनी गलतियों को सही तरीके से विश्लेषण करना, खुद को सही तरीके से समझना और सुधार की दिशा में विचार करना बेहद महत्वपूर्ण है। अध्याय 6, थकान और चिंता को दूर करने के 6 तरीके। 1, थकान से पहले आराम करें। लेखक के अनुसार, जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं तो आपको हमेशा एक चेतावनी संकेत मिलता है कि आप अपनी ऊर्जा को गंवा रहे हैं। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि आप इस संकेत के बदले समय पर आराम करें, ताकि यह थकान और चिंता के लक्षण बढ़ने से पहले ही ठीक हो सके। 2, काम पर आराम करना सीखें। लेखक के अनुसार, काम करने में हमें हमेशा तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें काम के बाहर के विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। कहीं भी जाकर ताजी हवा लेने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हर काम के बाद छोटा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, जिससे आपके दिमाग को ताजगी का एहसास होता है। 3, घर पर आराम करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लेखक के अनुसार, आमतौर पर हम विचार करते हैं कि ऑफिस के बाहर की गतिविधियां ही हमारे लिए आराम के साधन हैं, चाहे वो पार्क हो या रेस्टोरेंट हो। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि वो सब कुछ हमारे काम, ध्यान, ऊर्जा और मूड पर असर डालते हैं। अपने घर को एक सुखमय और आरामदायक स्थान बनाने के लिए समय देना चाहिए, जो हमारे काम पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। 4, काम करने की 4 अच्छी आदतें। लेखक चाहते हैं कि हमें काम करते समय व्यवस्थित रहने की आदतें डालनी चाहिए। आपके टेबल पर पड़े कागजों को एकत्र करें और महत्वपूर्ण कागजों को आगे रखें। चीजों को उनके महत्व के हिसाब से व्यवस्थित करें और किसी समस्या का समाधान ढूंढते समय संबंधित जानकारी को एकत्र करें। संगठित प्रतिनियुक्ति और निगरानी कौशल को सीखना भी महत्वपूर्ण होता है। 5, काम में उत्साह लगाएं। लेखक के अनुसार, हमारा काम हमें हमेशा उत्साहित और जोशीला नहीं बनाता है, लेकिन यह उस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। आप अपने काम के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं, अपने सहकर्मी और काम को कैसे लेते हैं, यह मायने रखता है। हमारे काम में जो भी हो, हमें उसे मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा अनुभव मिलता है। 6, अनिद्रा की चिंता न करें। लेखक के अनुसार, जब हम परेशान होते हैं तो हमें अच्छी तरह से नींद नहीं आती। यह नींद की समस्याओं को बढ़ावा देता है
और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही है। इसलिए अब हमें अनिद्रा की चिंता की बजाय संवेदना तकनीक का उपयोग करके अपनी परेशानी और नींद को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग एक ऐसी किताब है जो चिंता को दूर करने और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की दिशा में मार्गदर्शन करती है। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें। धन्यवाद।